तो हेलो दोस्तों, क्रिस गेल के बाद ऐसा करने वाले विराट कोहली पहले बल्लेबाज, आईपीएल में रच दिया इतिहास, शतक जमाकर तोड़े कई रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने खराब फॉर्म से ऐसी वापसी की है जिसे देख फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में इस बल्लेबाज ने रनों का अंबार लगा दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुश्किल मुकाबले में बड़े लक्ष्य के सामने एक ऐसी पारी खेल डाली जिसने पूरा मैच बदल दिया। कोहली के बल्ले से आईपीएल का सूखा खत्म हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरी क्लासेन के शतक के दम पर 186 रन का स्कोर खड़ा किया था। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर के लिए विराट कोहली ने यादगार पारी खेली और मैच को एक तरफा कर दिया। 19.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर आरसीबी की टीम ने जीत दर्ज की। कप्तान फाफ डुप्लेसी ने 71 रन की पारी खेली। कोहली ने 100 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया। 35 गेंद पर 8 चौके और 1 छक्का जमाते हुए विराट कोहली ने 50 जमाई थी। इस बल्लेबाज ने एक बार फिर अहम मुकाबले में दमदार पारी खेलकर बताया और 62 गेंद का सामना करते हुए 12 चौके और 4 छक्के लगाकर विराट कोहली ने सेंचुरी लगा डाली। विराट कोहली ने हैदराबाद के खिलाफ लाजवाब पारी खेलते हुए शतक बनाया। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अब सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से इस दिग्गज के नाम हो गया है। क्रिस गेल के नाम टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 शतक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है और अब विराट कोहली इनके बराबर पहुँच गए हैं। विराट कोहली आईपीएल की किसी एक फ्रेंचाइजी की तरफ से सबसे ज्यादा 6 शतक जमाने वाले बैटर बन गए हैं। टूर्नामेंट के 6 सीजन में उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाने का संयुक्त रिकॉर्ड बनाया। T20 में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम हो गया है। इससे पहले रोहित शर्मा के साथ वो इसे साझा कर रहे थे। किंग कोहली लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले भारतीय बैटर भी बन गए हैं। हैदराबाद के खिलाफ उसके घर पर बेंगलोर ने 2 बार ही जीत दर्ज की है और दोनों ही मौकों पर विराट प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।